बेरंग साड़ी को इनके हाथों लिखा अपना भाग्य मानकर पहन लूंगी मैं। अनिरुद्ध, हम जानते हैं बॉन्दिता को ये देते हुए तुम्हारे हाथ कांपेंगे, और जब हाथ कांपे ना तो याद कर लेना कि इसने कैसा धोखा दिया है हमें। फिर याद करना अपने बाबा की हालत। और फिर याद करना इसका एक एक झूठ जो इसने हमसे कहा है। आपके लिए आया है, बैजंती जी ने भेजा है। सिर्फ मैं कह रहा हूं, लेकिन कल पूरी दुनिया बुलाएगी बॉन्दिता को बैरिस्टर बाबू। क्या हो गया सखा बाबू? आपने मेरे जीवन में खुशियों के इतने सारे रंग भरे, तो फिर ये बेरंग साड़ी मुझ पे डालकर मेरे जीवन में आपकी मेहरबानी का एक और रंग भर दीजिए। अपना हाथ आगे बढ़ाइए और बदल दीजिए मेरे सपनों का रंग। कह दीजिए कि बॉन्दिता, अब तुम्हारे जीवन में कोई इंद्रधनुष नहीं होगा। दीजिए ना ये साड़ी मुझे। वाह सखा बाबू, आज हमारा सपना पूरा हो गया। वो सपना जो मैं अपने भगवान के हाथों, अपने सखा बाबू के हाथों पूरा करने की इच्छा लंदन से वापस लेके आई थी। आज लंदन के कॉलेज से बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड, गोल्ड मेडलिस्ट बैरिस्टर बाबू बॉन्दिता को उसका तमगा मिल गया। वो बॉन्दिता जो आपके मुंह से सिर्फ 2 शब्द सुनना चाहती थी, शाबाश बॉन्दिता, पर आज उसकी डिग्री में आपने लिख दिया, धोखेबाज बॉन्दिता, झूठी बॉन्दिता, गुनहगार बॉन्दिता। पर आपका दिया हुआ ये नाम आपका इनाम समझकर मंजूर है बॉन्दिता को। ले जाओ इसे, और इसके सारे गहने कपड़े सब लेकर ठीक से बेरंग कर दो इस जासूस को। जासूस? तो फिर अगर जासूस को सजा देनी ही है तो फिर ये सजा आप क्यों नहीं दे देती संपूर्णा दीदी? आपने मुझे पहली बार साड़ी पहनाई, मुझे चूड़ियां पहनना, झुमके पहनना, सजना संवरना, श्रृंगार करना आप ही ने तो सिखाया है। तो फिर ये बेरंग साड़ी आप पहना दीजिए ना और छीन लीजिए मुझसे मेरे सारे श्रृंगार। लीजिए संपूर्णा दीदी। समझाया सिखाया तो और भी बहुत कुछ था बॉन्दिता, पर शायद तुझे वो याद नहीं रहा। जैसे तूने रिश्तों की कदर नहीं की, मैं भी तेरी जज्बातों की कदर नहीं करूंगी। और वो मैं ही थी जिसने बार बार त्रिलोचन जेठ जी से ये कहा कि बैजंती कितनी प्यारी, कितनी अच्छी। उसने फिर से मुस्कुराना सिखाया है अनिरुद्ध को, पर मैं गलत थी। मैं समझ ही नहीं पाई थी कि मेरी आंखों में तेरे लिए जो प्यार है वो मुझे इतना अंधा कर देगा कि मैं तेरा छल ही नहीं समझ पाऊंगी। नहीं बॉन्दिता, तूने सिर्फ हमसे दुर्गा माँ की पूजा करने का अधिकार ही नहीं छीना, तूने मेरे पति को चोट पहुंचाने का पाप किया है। मोहरा बनाया है उन्हें तूने अपनी इस गंदी साजिश का, अपनी दुश्मनी का। और एक बात सुन, जिन हाथों ने तेरा प्यार से श्रृंगार किया था, आज वो हाथ बिल्कुल भी नहीं कांपेंगे तुझसे तेरा श्रृंगार छीनते हुए, तुझे बेरंग करते हुए। तुझे शर्म नहीं आती? वहां तेरी बहन उसके सारे रंग छीन लिए और तू ये रंग बिरंगी चूड़ियां पहन रही है। एक मिनट, कहीं तू खुशियां तो नहीं मना रही है ना वो बॉन्दिता के जाने का? नहीं, क्योंकि अगर ऐसा है तो मेरी बात कान खोलकर सुन ले। मैं बॉन्दिता को सन्यासिनी नहीं बनने दूंगा। मैं उसे भगवान की जोगन नहीं, उसे अपनी दुल्हन बनाऊंगा, चंद्रचूड़ की तुलना। आज के बाद उन सन्यासिनों के साथ अनिरुद्ध की कोई बातचीत, कोई मेल जोल नहीं होना चाहिए सोमनाथ। नहीं तो अनिरुद्ध को पता चल जाएगा कि जैसे वो सन्यासिनें बोल नहीं सकती, उसी तरह बॉन्दिता की आवाज भी उससे छीन ली जाएगी। जीवन भर तर्क करने वाली, एक पल चुप न बैठने वाली, अपनी बातों से अपनी जिद मनवा लेने वाली वो लड़की, उसके शब्द हमेशा के लिए उससे छीन लिए जाएंगे, उसे हमेशा के लिए गूंग। रोकिए मत खुद को काका, वो दुश्मन जासूस इसी लायक है। जानते हैं सोम, पर ये भी जानते हैं सोमनाथ की अनिरुद्ध की कमजोरी है बॉन्दिता, और अनिरुद्ध कमजोर ना पड़ जाए इसीलिए पंडित जी को बताने नहीं दिया हमने कि परित्याग की प्रक्रिया में, आखिरी विधि में बॉन्दिता की जुबान पे जलता हुआ कोयला रख दिया जाएगा और उसकी आवाज हमेशा के लिए छीन ली जाएगी। बाकी सन्यासिनों की तरह उसके जीवन में भी सिर्फ खामोशी रह जाएगी, सिर्फ खामोशी। वो कभी दोबारा बोल नहीं पाएगी कि अनिरुद्ध आजा, आजा बेटा, आजा आजा। हम आप सोमनाथ को बता रहे थे कि कैसे अभी गांव वाले शांत हैं, मतलब उनका विश्वास जग गया है अपने बैरिस्टर बाबू के अंदर। बस हमें ये भरोसा टूटने नहीं देना है अनिरुद्ध, नहीं तो पूरा तुलसीपुर तबाही की आग में जल जाएगा। हाँ, यही कह रहे थे सोमनाथ। तू ऐसे नहीं समझेगी। चल अब जैसा जैसा मैं कहता हूं तू वैसा वैसा करेगी। हेलो बैरिस्टर बाबू, मैं टुपुर बोल रही। हेलो हेलो बैरिस्टर बाबू, मैं टुपुर बोल रही हूँ। आपसे एक विनती है बैरिस्टर बाबू, आपको जो भी सजा मुझे दे दीजिए। आपसे एक विनती करनी है बैरिस्टर बाबू, आपको जो भी सजा देनी है आप मुझे दे दीजिए। क्या बैरिस्टर बाबू, मैं तैयार हूँ सन्यासिनी बनने के लिए। बैरिस्टर बाबू, मैं तैयार हूँ सन्यासिनी बनने के लिए। बंदिता को छोड़ दीजिए। आपकी कृष्णा नगर से जो दुश्मनी है आप मेरे से निकालिए, पर बंदिता को छोड़ दीजिए। बैरिस्टर बाबू, आपकी कृष्णा नगर से जो दुश्मनी है आपको मुझसे निकालिए, पर बंदिता को छोड़ दीजिए। आप चाहे तो मेरी जान ले लो बैरिस्टर बाबू। आप चाहे तो मेरी जान ले लीजिए बैरिस्टर बाबू, पर बॉन्डिता को छोड़ दीजिए। टुपुर, तुम सबको ये बात कोई मजाक लग रही है क्या? तुम्हें और बॉन्डिता को पहले क्यों समझ नहीं आया कि ये सजा आसान नहीं होगी? और अगर मेरे हाथों में होता ना तो मैं बॉन्डिता या तुम्हें क्या किसी भी और को ये सजा नहीं मिलने देता। जानता हूँ। एक मिनट, अगर तुम्हें तुम्हारे परिवार को बॉन्दिता की इतनी चिंता हो रही है तो मुझे फोन करने के बजाय उसे बचाने की कोशिश क्यों नहीं करते तुम सब? मैं खुद कुछ नहीं कर सकता इसीलिए तुम्हें बोल रहा हूँ। बॉन्दिता को यहाँ से बचा कर ले जाने की कोशिश करो। मैं दादा चलिए अब। हाँ वाह अनिरुद्ध रॉय चौधरी, वाह क्या तरकीब सुझाई है तुमने। अब तुम देखोगे और पूरा तुलसीपुर देखेगा मैं कैसे बॉन्दिता को वहां से लेकर जाऊंगा और उसे अपनी दुल्हन बनाऊंगा। सोम, मैं सन्यासिनियों को मिलना चाहता हूँ, उनसे बात करना चाहता हूँ, उन्हें पूछना चाहता हूँ कि कैसे कोई भी औरत, कोई भी इंसान धर्म और रीति रस्मों को मानने के लिए इतने परित्याग कर सकता है, ऐसा बेरंग जीवन जी सकता है। उनसे बात करूँगा, उन्हें पूछूंगा, उन्हें समझाऊंगा कि ये सब समाप्त होना चाहिए, रुकनी चाहिए ये कुप्रथाएं। तो उनसे कहना कि मैं उनसे मिलने आऊँगा। आप उनसे नहीं मिल सकते दादा। क्यों नहीं मिल सकता सोम? वो दादा वो मंदिर गई होंगी ना इस समय तप करने के लिए, तो जब भी वो वापस आएंगी तो मैं आपका संदेशा पहुंचा दूंगा उनको। याद से कहना है। हाँ बिल्कुल। क्या करूं, बॉन्दिता अपनी जिद में कुछ मानेगी नहीं, पर फिर भी उससे एक और बार बात करके देखता हूँ। क्या देखने आए हैं सखा बाबू? यही ना कि मैं बेरंग होकर कैसी दिखती हूँ, तो आइए देखिए, देखिए मेरा नया फीका और बेरंग रूप। मैं नहीं देखना चाहता। नहीं देखना चाहती? क्यों नहीं देखना चाहते? आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपना जीवन आपके नाम कर चुकी हूँ सखा बाबू। इसलिए मेरे हर रंग, हर रूप पे पहला अधिकार आप ही का है। और आप में इतनी झिझक क्यों है? आप घबराइए मत, क्योंकि अब तक मैं पूरी तरह से बेरंग नहीं हुई। क्योंकि मुझसे सारे रंग छिन भी गए तो भी आपके नाम का रंग मेरे सांसों में घुला हुआ है। वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। आईना तोड़ देने से सच बदल नहीं जाता सखा बाबू। मानता हूँ अतीत में जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज जो हो रहा है उस सच को बदला जा सकता था। बोंदिता, तुम्हें ये जीवन नहीं चुनना चाहिए था। ये जीवन आपने मेरे लिए चुना है सखा बाबू, ना कि मैंने। हमेशा जिद क्यों करती हो बोंदिता? समझती क्यों नहीं? बिखर जाओगी। मैं बिखरने से नहीं डरती सखा बाबू, क्योंकि मैंने रंगों से ही सीखा कि अगर आपको निखरना है तो सबसे पहले बिखरना होगा। पर इस कदर मत बिखरो कि वापस जुड़ ना पाओ। अगर तुम काशी चली गई ना बोंदिता, तो मुड़कर कभी वापस नहीं आ पाओगी। वहां रोज रोज एक नया दर्द सहना होगा तुम्हें। अगर तुम काशी चली गई ना बोंदिता, तो मुड़कर कभी वापस नहीं आ पाओगी। वहां रोज रोज एक नया दर्द सहना होगा तुम्हें। अब मुझे कोई दर्द से डर नहीं लगता सखा बाबू। कोई दर्द ही नहीं होता। आपको पता है मुझे दर्द किस दिन हुआ था? मुझे दर्द उस दिन हुआ था जब भरी पंचायत में मेरे सखा बाबू ने अपनी बोंदिता का साथ नहीं दिया था, मुझ पे भरोसा नहीं किया था, मुझे गुनहगार माना था। इसीलिए अब मुझे किसी बात का दर्द होता ही नहीं है। तुम ऐसा क्यों कर रही हो बोंदिता? मान क्यों नहीं जाती वापस जाने के लिए? मान जाऊंगी, मुकर जाऊंगी, चली जाऊंगी, पर जब तक आपका दिया हुआ दाग आप मुझसे वापस नहीं ले लेते, तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। सखा बाबू, आपको सबके सामने कहना होगा, मैं जासूस बनकर नहीं, दोस्त बनकर आई थी। आपको सबको कहना होगा कि मैंने जो कुछ भी किया वो दुश्मनी के लिए नहीं किया, बल्कि प्यार के लिए किया। हाँ सखा बाबू, पहले कह नहीं पाई थी, पर एक रंग ये भी है मुझ में कि मैं प्यार करती हूँ आपसे। बेहद प्यार करती हूँ। और वो प्यार ही तो था जो मुझे वैजयंती बनाकर आपके पास लेकर आया था। वो प्यार ही था सखा बाबू जिसने मुझे ये सब करने की हिम्मत दी। सखा बाबू, वो प्यार ही तो होता है जो एक दिल को दूसरे दिल से जोड़े रखता है, जैसे कि हम हैं सखा बाबू। नहीं, नहीं, मैं तो नफरत करता हूँ तुमसे, प्यार नहीं करता। नहीं सखा बाबू, आप प्यार करते हैं पर आप कह नहीं पाते, पर आज कह दीजिए कि आप प्यार करते हैं अपनी बोंदिता से। कहा ना तुमसे प्यार नहीं करता मैं बोंदिता। आप प्यार करते हैं सखा बाबू। मैं प्यार नहीं करता बोंदिता। आप प्यार करते हैं। नहीं करता मैं प्यार। आप प्यार करते हैं। नहीं करता। करते हैं। नहीं करता। करते हैं। नहीं करता। करते हैं। नहीं करता। नहीं करते। हाँ मैं करता। का बाबू, आज आपने कह दिया, बस आपको सबके सामने यही बात कहनी है, फिर हम साथ मिलकर कृष्णानगर और तुलसीपुर की दुश्मनी को खत्म कर देंगे सखा बाबू। शांति। आप कब तक मेरे प्यार से भागेंगे सखा बाबू? आज आपने मुझे कह दिया, पर कल आपको सबके सामने कहना ही होगा कि आप प्यार करते हैं अपनी बोंदिता से।